तो आइए शुरू करें अपनी बहुत ही टेस्टी पाव भाजी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने आधा कप फ्रोज़न मटर लिए हैं, दो गाजर को मैंने रफली काट लिया है, ये आधी फूल गोभी है, दो शिमला मिर्च है, और पाव भाजी को कलर देने के लिए मैंने आधा बीट रूट लिया है। इससे पाव भाजी में बहुत ही अच्छा रेड कलर आएगा, तो आप बीट रूट ज़रूर ऐड करें। ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने ऐड कर दी हैं, दो आलू भी मैंने रफली काट के ऐड किए हैं, और दो प्याज को भी मैंने इसी स्टेज पे रफली काट के ऐड कर दिया है। ये पाव भाजी बहुत ही इजी है बनाना। देखिए सब सब्जियां मैंने एक साथ ही कुकर में ऐड कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे एक ग्लास पानी इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक। ये देखिए अभी इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाएँ। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और गैस पे हाई फ्लेम पे पहले हम 2 से 3 सीटियाँ आने देंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 सीटियाँ आने देंगे। उसमें क्या होगा कि सब्ज़ियाँ एकदम अच्छे से मैशी हो जाएंगी। फिर गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ियों को बेसिकली हमें अच्छे से गला लेना है। अब यहाँ पे मैंने 6 लाल टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक है और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं। अब सबसे पहले हम टमाटर को काट लेंगे और इन सब का हमें पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो इसे ग्राइंडिंग जार में हम शिफ्ट कर लेंगे और इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। पाव भाजी में टमाटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा टमाटर लिए हैं। ये देखिए इसका पेस्ट बन के तैयार है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और उसके बाद इसका प्रेशर रिलीज़ होने देंगे। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छे से गल गई हैं, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं सारी सब्ज़ियाँ। तो एक पोटैटो मैशर लेके, या आपके पास करछी हो तो उससे लेके अच्छे से इसे मैश कर ले। बहुत ही ईजिली ये मैश हो जाती हैं सारी सब्ज़ियाँ, क्योंकि एकदम ये गल गई रहती हैं। तो ये देखिए ये एकदम अच्छे से मैश हो गई हैं सब्ज़ियाँ। थोड़े बहुत चंक्स रहें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अब उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। इसे अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद ये जो मैंने टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा टमाटर लिए हैं, क्योंकि टमाटर से ही चटपटा टेस्ट आता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पाव भाजी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मसाले। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला लिया है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ली है। ये भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और लगातार इसे चलाते हुए हम कम से कम 10 मिनट के लिए पका लेंगे कि टमाटर इसमें अच्छे से पक जाएं। 10 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से पका लें मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए टमाटर इसमें बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए कैसे इसका कलर चेंज हो गया है। फिर हम इसमें ये देखिए पूरा पूरा मैंने इसे 12 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाया है टमाटर को। तो अब ये जो मैंने सब्ज़ियाँ मैश करके रखी थी ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार फिर पोटैटो मैशर से लेके हम इसे अच्छे से चलाएंगे। तो इस स्टेज पे हम नमक भी ऐड कर देंगे। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो इस स्टेज पे भी थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। और फिर पोटैटो मैशर से लेके इसे एक बार और अच्छे से मैश कर देंगे कि थोड़े बहुत जो चंक्स हो सब्ज़ियों के वो अच्छे से हो जाएँ। फिर इसे 5 से 6 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। तो ये पाव भाजी हमारी देखा आपने, फटाफट बन के तैयार है। और फिर धनिया की पत्ती से इसे गार्निश करेंगे, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अब हम पाव को भी सेक लेंगे फटाफट। तो एक तवे पे बटर ले लिया है और पाव को सेक के रेडी कर लेंगे। ये पाव भाजी बनने में बहुत ही कम समय लगता है, कुकर में बनती है तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है बहुत ही कम समय में। और जब आप बनाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कितनी टेस्टी पाव भाजी बन के तैयार होती है कम समय में कुकर में। हेल्दी पाव भाजी आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें।